जो लास्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसकी तरफ चलते हैं। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय एन अनदर नेम इज नोन एज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का मतलब अब तक जो कूलम्स लॉ ने जो काम किया वो दो चार्ज के बीच में काम किया, अब हम कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को एक्सटेंड करते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस का एक सिस्टम हो तो वहां कूलम्स लॉ कैसे काम करेगा। बेसिकली इस टॉपिक में हम दो दो चार्जेस का पेयर लेके ही काम करेंगे। वो कूलम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वही यूज होगा, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे और एक नेट फोर्स निकालेंगे। किसी एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज पकड़ेंगे, इतने सारे चार्जेस में से किसी एक चार्ज को आप एज ए टेस्ट चार्ज और एज ए गिवन चार्ज के तौर पे आप ले लोगे, और जो भी आपने टेस्ट चार्ज और गिवन चार्ज लिया है बच्चों, और उसके अराउंड जो भी चार्जेस हैं वो सारे अलग अलग मिल के उस एक गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो हमें हर एक चार्ज का उस गिवन चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम लेंगे और उस गेट नेट चार्ज हम उस गिवन चार्ज के ऊपर नेट फोर्स का सम देखेंगे, और वो जो नेट फोर्स आएगी दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स कम व्हाट द स्टेटमेंट सेज अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यू कैन सी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस XY plane, there are many charges in XY plane. अब तक दो ही चार्ज थे, Q1, Q2 के बीच की डिस्टेंस r, दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे on each other, ठीक है? तो हमने इतने सारे चार्जेस में से किसी एक चार्ज के ऊपर अपना फोकस कर लिया, अपनी नजर लगा दी, और वो चार्ज हमने ले लिया बच्चों Q0। इस Q0 को हमने मान लिया गिवन और टेस्ट चार्ज। ये क्यों नो अपने ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है इसका वो है आर नोट। ये जो नोट है बच्चों ये क्यों नोट के लिए है, टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से हम लगने वाली फोर्स का इफेक्ट चेक कर रहे हैं और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्ट हम देखेंगे क्या आएगा। तो इस क्यों नोट के बगल में इसके आस पड़ोस में बहुत सारे चार्जेस के नेबर में Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1 है। ये Q1 भी इस Q0 पर फोर्स लगा रहा है, सारे सारे पॉजिटिव है, Q1 भी इस Q0 पर एक रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, Q2 भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, लाइकवाइज सारे चार्जेस लगा रहे हैं अप टू Qn तक। तो हम करेंगे क्या, इस Q0 के ऊपर इन सारे चार्जेस की वजह से नेट इफेक्ट देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो ये रिजल्ट है ये आपके काम आएगा इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बोर्ड में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस टॉपिक सेज। स्टेटमेंट कहती है पेपर में आ जाए कि ड्राइव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन यू विल से द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज क्या हो। यू कैन सी इसको हमने यहाँ पर एज ए गिवन चार्ज लिया, इसके ऊपर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस अराउंड इट। यस, इसके अगल बगल में पड़ोस में जितने भी वेरियस चार्जेस हैं उनकी वजह से इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मींस इसके ऊपर जब बच्चों ये Q1 जब फोर्स लगाएगा तो ये निकल जाएगा, तो ये Q1 इस Q0 पर जब फेंकेगा इसको रिवर्सिंग फोर्स लगाएगा। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अगर कोई एक चार्ज किसी दूसरे पर फोर्स लगाए तो Q0 पर लग रही है वन की वजह से, तो ये हो गया इसकी फोर्स की डायरेक्शन। इसको हम रीड करेंगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। अगर ये फोर्स अगर इधर लगी है इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये कहां से जा रही है, F01 कहां से आ रही है, F01 आ रही है 1 से 0। इसके लिए हमारा पोजीशन वेक्टर जो हो गया वो हम ले लेंगे R10 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो बताएगा 10 डायरेक्टली फ्रॉम Q1 टू Q1, ठीक है। तो अभी जस्ट हम इस Q1 की वजह से इस Q1 पर जो फोर्स लग रही है उसको हम चेक कर रहे हैं। सेम काम Q2 भी करेगा, ये Q2 जो है
ये क्या होगा, इसके उन पर इधर फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे F 02, समय 00 फिक्स रहेगा। इसी तरह से क्यू 3 लगाएगा F 03, इसी तरह से क्यू n लगाएगा F 0n, और हर एक चार्ज का इस क्यू नोट पे हम ले लेंगे वेक्टर सम, वो हमारा आएगा बच्चों रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हम बच्चों इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनती है कॉलम्स की। तो अब तक हमने जो स्टेटमेंट लिखी वो थ्योरेटिकल, लेकिन मैथमेटिकल इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें ड्राइव करना है, मेन वो है। हमें जो ड्राइव करना है रिजल्ट वो करना है नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ 01, एफ 02, एफ 03 से लेके बच्चों एफ 0n, ये रिजल्ट हमें ड्राइव करना है। नेट फोर्स देखो समय 00 फिक्स है, इसका मतलब आप फोर्स चेक कर रहे हो, यू आर चेकिंग द नेट फोर्स ऑन द ड्यूरो ड्यू टू द वेरियस चार्जेस अराउंड। एफ 01 मींस फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू1, एफ 02 मींस फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू2, एफ 01 लाइकवाइज अप टू फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू1। तो सबसे पहले हम एफ 01 को फाइंड आउट करते हैं, जो काम इसको फाइंड आउट करने में आप करोगे वो भी एज इट इज काम आप एफ 02 में ही करोगे और एफ 01। तो एफ 01 का मतलब है बच्चों क्या, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू, ओके। तो एफ 02 का मतलब है फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू टू, ठीक है। और इसी तरह से जो है एफ 0n होगा आपका क्या होगा, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू। तो लेट्स फाइंड आउट एफ 01, एफ 01 क्या होगा वो देखते हैं। तो एफ 01 जो होगा बच्चों, एफ 01 हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 01 पे काम करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में, कूलम्स लॉ के पेयर बना बना के। एक चार्ज कूलम्स लॉ कितने चार्ज चाहिए, दो ही चाहिए, दो चार्ज के बीच का ये फॉर्मूला है, एक क्यू नोट एक क्यू1। जो हर एक में क्यू नोट तो फिक्स रहेगा, क्यू1 भी तो ये चेंज होते रहेंगे, आपको क्यू1 क्या होगा क्यू नोट क्यू1 बाय, अब इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखो कौन सी है बच्चों, ये हमारा क्यू1 है ये हमारा क्यू नोट है, क्यू1 से क्यू नोट का जो डिस्टेंस है हमारी जो नीचे आएगी मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा आपका R10 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां लिखेंगे R10 क्या, इसको ले लेंगे फर्स्ट। इसी तरह से F02 क्या हो जाएगा, F02 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू टू बाय। अब देखो बच्चों यहां था R10, तो यहां जो हो जाएगा आपका ये क्यू में ही इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी R20, सिंपल सी बात है, सिमिलरली है ये रिजल्ट बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट है, यहां R10 है तो यहां हो जाएगा बच्चों हमारा R20 का स्क्वायर, और यहां लिख देंगे हम R20 कैप सेकंड प्लेस, ठीक। अब बात ये आती है इसी तरीके से अगर हम F03 Q3 की वजह से क्यू नोट पे रखें, Q4 की वजह से क्यू नोट पर रखें, तो रिजल्ट यही आएंगे जस्ट 1-2, ये जो सबस्क्रिप्ट है आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हो वो चेंज नहीं होगा। तो इसी तरीके से करते करते अगर मैं कहूँगी F0n क्या होगा, तो बच्चों को रिजल्ट होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट क्यू एन बाई R n 0
प्लस की है आर एन जीरो गैप एन एन. ओके आप देखो यहां चेंज किया और वन टू एन ठीक है. तो लाइकवाइज ऐसे ही चेंज हो रहा है चाहिए. तो हमें चाहिए थी नेट फोर्स. नेट फोर्स इस पे इस क्यू नोड पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से लाओ ऐड दीज इन सारों को ऐड करो एंड गेट द रिजल्ट ऑफ नेट फोर्स. तो लेट्स फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस गिवन चार्ज. तो इसको राइट आउट कर लीजिए बच्चों. कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया है. तो नेट फोर्स तो होगी बच्चों एफ नेट हमें निकालनी है. तो एफ जीरो वन एफ जीरो टू से लेके एफ जीरो एन एफ जीरो वन क्या आया था तो उस समय 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया था और क्यू नोट भी था. तो हमने यहां ले लिया क्यू नोट बाय 4 पाई. तो एक काम करते हैं वो अगले स्टेप में कर लेते हैं. पहले जो आया था वो आया ऐसे ही सेट कर देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट क्यू वन बाय आर वन जीरो वेक्टर स्क्वायर आर वन जीरो कैप प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू टू बाय आर टू जीरो प्लस स्क्वायर आर टू जीरो कैप एंड सो ऑन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन बाय आर एन जीरो का मॉडुलस का स्क्वायर मैग्नीट्यूड आर एन जीरो है. तो बच्चों ये है हमारा नेट फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का. इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. इतनी बड़ी इक्वेशन न लिखने की बजाय इसको हम एज ए समीशन के तौर पर भी लिख सकते हैं. थोड़ा सा मैथ चाहिएगा वो जो आप सभी जानते हो क्योंकि प्लस टू में आने के बाद सारे बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं कि इतनी बड़ी इक्वेशंस को हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करके शोध कर सकते हैं और तो वो क्या इक्वेशन बनेगी. तो लेट्स सी नेट फोर्स सम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट था क्यू नॉट कॉमन था सिर्फ 1 0 जो जीरो था वो सेम था 1 2 3 से लेके एंड तक ये सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहे थे तो उनको हम छोड़ देते बाकी टर्म को हम बाहर निकाल देते हैं. तो क्या है क्यू नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहां से कहां तक चार्ज फैले हुए थे बच्चों 1 से लेके एन तक से लेके एन तक ठीक है. अच्छे बच्चे हैं बड़े प्यारे बच्चे हो आप. क्यू नोट बाई 4 एप्सिलॉन नोट बताओ मुझे आगे क्या आएगा. आई इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे प्लस का निशान देके आई इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे और कहां ले जाएंगे एन तक ले जाएंगे. तो आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्या हो गया क्यू आई बाय आर 1 0 था आर 2 0 था आर 3 0 था आर 4 0 से लेके आर एन 0 तो आर आई 0 का स्क्वायर आर आई 0 का वेक्टर. तो बच्चों ये बन गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्ट. ओके तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्ट है. जनरलाइज्ड फॉर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. ओके तो इसको आप आसानी से और भी एक्सटेंड कर सकते हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके ठीक है. अगर मुझे आर 10 निकालना है क्या निकालना है बच्चों मुझे आर 10 ये निकालना है मुझे. तो ये मान के चलो कि यहाँ क्यू वन से जो क्यू नोट है वो हमारा जो वेक्टर है आर 10 ये निकालना है हमें निकालना है आर 10 वेक्टर. तो आपको पता है प्लस वन में कॉन्सेप्ट था वेक्टर एडिशन का ठीक है. वो था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन.
क्या कहता है कि जब टू वेक्टर्स इन द सेम सेंस, जो दो वेक्टर सेम सेंस में होंगे विल एड अप एंड बिकम इक्वल टू दैट थर्ड वेक्टर व्हिच इज इन अपोजिट सेंस। तो हमें R10 निकालना है। तो बच्चों ये है हमारा R10, ये है हमारा, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जस्ट हमें तो ये मानो कि ये हमारा P है, ये Q1 से Q1 पर एक फोर्स लग रही है, भूल जाओ इसको, Q1 से Q1 पर F01, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है। अब जो Q1 से Q1 की तरफ जो पोजीशन हमारा वेक्टर है वो हमने ले लिया R10 वेक्टर। आप देखो एक साइकिल है, इसको पकड़ो इस ट्रायंगल को, देखो ये ये ये, ये। तो दो वेक्टर सेम सेंस में बच्चों, एक ये ऐसे साइकिल में और ये इसके अपोजिट है, तो ये दो ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, तो हमारे पास तो बच्चों रिजल्ट आएगा R10 आएगा हमारे पास R1 + R10, ठीक है, और ये इसके इक्वल होगा हमारा R1 + R10 = R1। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बच्चों R10, तो R10 वेक्टर क्या आ गया R1 - R1। अगर इसी तरीके से निकालना हो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन यूज करके R20 क्या हो जाएगा, बस R0 तो सेम रहेगा, R2 - R0। और इसी तरह से अगर RN0 निकालना हो तो क्या हो जाएगा RN - R2। इसको हम और अच्छे से फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं Q0 / 4 pi epsilon summation i = 1 to n Q i। अब आ गए R i 0, तो जैसे R10 को लिखा R1 - R0, तो R i 0 क्या हो जाएगा, देखो R1 - R0 R i - R0 का स्क्वायर, और यहां R i 0 है। बच्चों जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मतलब यहां लिखेंगे हम R i 0 वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही तो होगा, दोबारा एक और लिख देंगे हम R i - R0 का, ये हो गया ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो 2 है और 1 है, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा और एक फॉर्म में Q0 / 4 pi epsilon summation i = 1 to n Q i R i - R0 का क्यूब ऊपर में और R i 0, इसको भी आप खोल सकते हो R i - R0, ठीक है, यहाँ तक भी सही, अगर पेपर में यहाँ तक भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 5 में से या जैसे भी 4 में 3 नंबर भी क्वेश्चन आए तो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, इसको और खोले तो वो अंडरस्टूड है कि हम इसको और खोल सकते हैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगा के। तो बच्चों ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, कहीं भी एक परसेंट भी, तो क्लिक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि सर नहीं है, नहीं आया समझ में, ये शक नहीं आया, तो मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा इसके ऊपर अच्छे से और आपको उसमें बेहतरीन तरीके से और समझाऊंगा, अगर कमी रह गई हो कहीं भी, अगर आ गया समझ में तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगले लेक्चर में बच्चों हम इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करेंगे, तब तक बने रहिए इंद्र के साथ, सांवलिया कंसेप्ट क्लासेस के साथ, जय हिंद।